Assalamu alaikum. Today we will perform a practical of synchronous motor and we will see its different characteristics, its field characteristics versus armature current characteristics and its field current versus power factor and its field current versus reactive power. So we will notice all of these parameters. So basically the objective is to study the behavior of synchronous motor and also to observe the relationship between field current and armature current. So this is basically the objective of the practical, and also we will observe the relationship between field current and power factor, and also the relation between field current and power factor. So this is basically the objective of the practical, and apparatus required are four pole synchronous motor module, dynamometer / prime mover module, AC three phase supply and also DC supply, connection leads, lab volt, data acquisition and control interface. तो previously हमने जो practical किया था वो induction motor का practical किया था. तो इंडक्शन मोटर में और साइंक्रोनस मोटर में बेसिक डिफरेंस ये है कि साइंक्रोनस मोटर इज़ बेसिकली डबली फेड मशीन. लाइक इंडक्शन मोटर में हम एक ही थ्री फेज सप्लाई स्टेटर को दे रहे थे, बट अब हम स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई भी देंगे और इसके साथ साथ रोटर को हम डीसी सप्लाई भी देंगे. इसका नाम साइंक्रोनस मोटर इसलिए है क्योंकि जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होती है उसी स्पीड से हमारा जो रोटर है वो रोटेट कर रहा होता है. बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग इन बिटवीन द टू, के रोटर और स्टेटर के दरमियान एक मैग्नेटिक लॉकिंग होती है. हमने ये देखा था इंडक्शन मोटर में कि इंडक्शन मोटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जैसे ही हम थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं. तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रीवियसली तो इंडक्शन मोटर में रोटर जो रोटेट कर रहा था वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से रोटेट नहीं कर रहा था, बट थोड़ा सा लेग आ रहा था और उस लेग को हम स्लिप कह रहे थे. बट इन केस ऑफ साइंक्रोनस मोटर जैसे ही हम रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं तो रोटर के अंदर पोल्स जनरेट हो जाते हैं और वो डीसी पोल्स होते हैं. जाहिर सी बात है साउथ और नॉर्थ पोल जनरेट होंगे, तो वो साउथ और नॉर्थ पोल जो डीसी रोटर की वजह से रोटर के अंदर जनरेट होते हैं तो वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ लॉक हो जाते हैं. लाइक एस मीन्स साउथ पोल जो है रोटर के स्टेटर के नॉर्थ पोल के साथ लॉक हो जाता है, और रोटर का जो नॉर्थ पोल है वो स्टेटर के साउथ पोल के साथ लॉक हो जाता है. तो जब मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है तो फिर अब जाहिर सी बात है जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी वो उसी स्पीड से रोटर जो है वो रोटेट करेगा क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग है दोनों के दरमियान. So this is why we called the synchronous motor as a synchronous motor. तो इसके अलावा इसके अंदर स्लिप जो है वो ज़ीरो होती है बिकॉज रिलेटिव मोशन बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स रोटर इज ज़ीरो बिकॉज बोथ ऑफ द स्पीड्स रोटेट एट द सेम स्पीड. कि दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं लाइक रोटर की मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों एक ही स्पीड से रोटेट कर रही होती हैं. It can also be used as to improve the power factor of any machine. Like we can connect it with induction motor के हम parallel में connect कर लें induction motor के साथ, and we can improve the power factor of that induction motor. Also we can improve the power factor of any machine के इसको हम parallel में connect करके किसी भी machine का जो power factor है उसको हम improve कर सकते हैं. Why we can improve the power factor of any machine by connecting this machine with that? Because it is reactive power supplier as well. के इसके अंदर दो modes of operation है. One mode of operation is under excitation case is in under excitation case, and the second mode of operation is in over excitation case. So in case of under excitation, its reactive power is positive, means it draw reactive power from the supply. But in case of over excitation, it supplies reactive power to any supply to which it is connected, or it supplies reactive power to any other machine to which it is connected.
तो अंडर एक्साइटेशन के केस में जो है वो रिएक्टिव पावर ये एब्जॉर्ब करेगी और ओवर एक्साइटेशन के केस में साइंक्रोनस मोटर रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी. सो वी कैन इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ एनी मशीन. और अंडर एक्साइटेशन के केस में इसका जो पावर फैक्टर है दैट विल बी लैगिंग, बट इन केस ऑफ ओवर एक्साइटेशन द पावर फैक्टर ऑफ दिस मशीन विल बी लीडिंग वन. ओके, सो दूसरी बात जो है इस मशीन के अंदर ये है कि जो हमने डिस्कस कर ली कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और मोटर की स्पीड वो दोनों सेम होती हैं और इसके अंदर कोई स्लिप नहीं होती. सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंक्रोनस मोटर के किस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल है और इसके अंदर कितनी सप्लाईज यूज होती हैं और इसके अलावा इसके अंदर या इसको कहाँ पर और किस वजह से इसको यूज़ किया जा सकता है. सो अब हम चलते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ कि सर्किट डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं हम इसका. द सर्किट डायग्राम फॉर स्टेटर इज सेम कि हमने थ्री फेज एसी सप्लाई ही देनी है और एमीटर्स के थ्रू देंगे क्योंकि हमें पावर जो है वो मेजर करना है, एक्टिव पावर भी मेजर करना है, रिएक्टिव पावर भी मेजर करना है, एंड देन वी आल्सो हैव टू मेजर द पावर फैक्टर ऑफ दिस मशीन. और जो रोटर है दिस इज़ बेसिकली द कनेक्शंस ऑफ रोटर कि रोटर पे किस तरह से हमने डीसी जो है वो अप्लाई करना है. यहाँ पर भी एक हमने एमीटर लगाना है एंड वी विल नोटिस द करंट ऑफ दिस फील्ड. इसके अलावा जो हमने ग्राफ्स ड्रा करने हैं वो पावर फैक्टर एंड आर्मेचर करंट के दरमियान हमने जो है वो ग्राफ ड्रा करना है और फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा करना है. यहाँ पर आर्मेचर करंट बेसिकली द करंट ऑफ द स्टेटर के स्टेटर के अंदर जो भी करंट होगा उसको हम आर्मेचर करंट कह रहे हैं और रोटर के अंदर जो भी करंट होगा उसको हम फील्ड करंट कह रहे हैं. सो बिल्कुल सिंपल सा प्रैक्टिकल है, अभी हम परफॉर्म करते हैं. सिम हम ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर. सो वी नीड अ साइंक्रोनस मोटर स्लैश जनरेटर मॉड्यूल. सो साइंक्रोनस मोटर स्लैश जनरेटर मॉड्यूल. Okay, we will select this module and install in this workstation. We will also connect a prime mover with this machine. So we will select a prime mover slash dynamometer module. We will not apply torque on this motor, but we have installed this module. Again we have to install a power supply, three phase power supply. Okay, this is three phase power supply. Also we need a data acquisition interface module, so we will also install data acquisition interface module. Okay, so everything is installed over here. So now we will give a supply to this synchronous motor and we will observe different parameters. So let's open the connection and circuit diagram. This is basically circuit diagram. Hum isko three phase AC supply denge through ammeters. Yahan par ammeters jo hai wo connected hai. So through ammeters three phase AC supply hum isko denge. Okay, so this is basically three phase AC supply. मीटर नंबर वन का पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया एंड देन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर नंबर वन इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव ऑफ दिस साइंक्रोनस मोटर एंड आल्सो द सेकंड फेज. ओके, तो दूसरा जो है फेज हम कनेक्ट करेंगे एमीटर के थ्रू. एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सिंक्रोनस मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे.
थर्ड जो एमीटर है वो भी इसी तरह से थर्ड हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे, थर्ड जो है वो डीसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसको थर्ड फेज को हम डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग टर्मिनल्स हैं इसके वो हम स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे। अब हम डीसी सप्लाई इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं थ्रू एमीटर। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं विद नेगेटिव ऑफ दिस पावर सप्लाई। 24 वोल्ट एसी सप्लाई रिक्वायर्ड होगी वो भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से 24 वोल्ट एसी सप्लाई डेटा एक्विजिशन इंटरफेस मॉड्यूल के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। इसके मोड को डायनामोमीटर मोड पे कर देते हैं और ये स्विच जो है डीसी का स्विच है, जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे तो डीसी सप्लाई रोटर पे अप्लाई नहीं होगी। ओके, एंड दिस इज बेसिकली द रिहोस्ट स्टेट ऑफ सिंक्रोनस मोटर। यहाँ से हम जो डीसी करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स रोटर का करंट या फील्ड करंट हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो अभी वोल्ट मीटर्स भी हमें कनेक्ट करने हैं। वोल्ट मीटर हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अगर हम कनेक्शन डायग्राम में देखें तो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव ऑफ एमीटर के साथ कनेक्टेड है, दोनों के साथ, और उसके बाद स्टार पॉइंट पे दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है। तो ये नेगेटिव ऑफ एमीटर, इन ये ध्यान रखिएगा कि जिसका एमीटर हो वही वोल्ट मीटर यूज़ होना चाहिए। अदरवाइज आपने ये कर दिया कि फेज़ नंबर टू यहाँ से वोल्ट मीटर नंबर वन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फिर आपकी जो पावर की वैल्यूज़ हैं वो ठीक नहीं आएंगी और आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो इनकरेक्ट होंगी, ठीक नहीं होंगी, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड विथ दिस स्टार पॉइंट एंड आल्सो सेकंड वोल्ट मीटर जो हमने कनेक्ट करना है वो भी नेगेटिव ऑफ दिस एमीटर नंबर टू, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो भी स्टार पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, 24 वोल्ट एसी सप्लाई भी हमने इनको सप्लाई कर दी और इसके अलावा थ्री फेज एसी सप्लाई भी हमने इस मोटर को दे दी। अब हम 24 वोल्ट एसी सप्लाई भी हमने दे दी, बट अभी हमें स्पीड भी जो है वो देखनी होगी, तो स्पीड के लिए हम यहाँ से ये वायर्स कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो स्पीड के लिए वायर हमने कनेक्ट कर ली एंड देन बेल्ट जो है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं लोअर फ्रंट पैनल। ये हमने बेल्ट कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अब जो डीसी करंट है वो हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे और फिर देखेंगे कि रिलेशन क्या बनता है। अभी हमने इस मोटर को लोड नहीं किया, मींस हमने कोई यहाँ से लोड अप्लाई नहीं किया, और इस प्रैक्टिकल में हम लोड लास्ट में अप्लाई करके देखेंगे कि लोड का इफेक्ट क्या होता है, स्पीड रिड्यूस होती है या नहीं होती। बट इन केस ऑफ साइंक्रोनस मोटर जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट रहती क्यों है, उसकी वजह यह है कि मैग्नेटिक लॉकिंग है इन बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड आल्सो इन बिटवीन मीन्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड के दरमियान और जो रोटर की स्पीड है उन दोनों के दरमियान मैग्नेटिक लॉकिंग है। तो मैग्नेटिक लॉकिंग होने की वजह से दोनों जो है एक ही स्पीड से रोटेट कर रहे होंगे, और जब तक इसकी जो बियरेबल लिमिट है वो क्रॉस नहीं हो जाती तब तक जो है इसकी स्पीड रिड्यूस नहीं होगी, एकदम से फिर ये बंद होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये हम इस पर लोड अप्लाई करके देखेंगे और ये एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि वाकई इस तरह होता है या नहीं होता। सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड और सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं। 24 वोल्ट एसी सप्लाई पहले हमने ऑन की, उसके बाद मेन ब्रेकर हमने ऑन किया। सप्लाई हम इसको मैक्सिमम दे देते हैं।
ओके, डीसी सप्लाई भी अब हम ऑन कर लेते हैं। तो जिस तरह देखें, जिस तरह डीसी सप्लाई ऑन की, ये 1500 आरपीएम पे आ गई। 1500 आरपीएम से अब वो ये जा नहीं सकती, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम रेटिंग है मोटर की वो 1500 आरपीएम पे ही चलने की है। इससे ज़्यादा आरपीएम पे ये जा नहीं सकती, जब हमने थ्री फेज एसी सप्लाई दी हुई है प्लस में डीसी सप्लाई दी हुई है। तो अब हम मीटरिंग विंडो ओपन करते हैं। सो अब हम ये कंटिन्यूस रिफ्रेश जो है बटन प्रेस कर देते हैं। पावर से हमें रिक्वायर्ड होंगी, इस पर हम एक्टिव पावर देख लेते हैं और दूसरे मीटर पे हम रिएक्टिव पावर जो है वो एनालाइज कर लेते हैं। अभी जो मोटर से रिएक्टिव पावर ड्रा हो रहा है वो 23.6 जो है वार्स ड्रा हो रहे हैं। स्पीड भी हम ऑन कर लेते हैं। टॉर्क जो अप्लाइड है अभी ज़ीरो है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ मीटर्स हम पावर फैक्टर के लिए, एक हमने मीटर ऑन करना है, एम फोर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एम फोर पे हमें पावर फैक्टर चाहिए, और पावर फैक्टर किन मीटर्स को लेते हुए हमने देखना है, मीटर ई वन एंड आई वन को देखते हुए। E1 और I1 ले लें, E2 I2 ले लें, दोनों के लिए सेम है, बट आप E3 I3 नहीं ले सकते, बिकॉज E3 इज नॉट कनेक्टेड, मीन्स वोल्ट मीटर नंबर 3 इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट। तो इसलिए पावर फैक्टर आपका नहीं आएगा, आएगा भी तो कोई एक इनकरेक्ट कोई वैल्यू आएगी। तो इसलिए वो मीटर्स कनेक्ट करें जो आपके सर्किट में कनेक्टेड हैं। और E1 और I1 क्योंकि दोनों ही AC मीटर्स हैं, इसलिए हम ये AC मीटर्स ही सिलेक्ट करेंगे टू सी द पावर फैक्टर ऑफ दिस मशीन। ओके, अप्लाई कर देते हैं एंड ओके। अभी जो पावर फैक्टर यहाँ पे चल रहा है वो 0.713 चल रहा है, और मशीन का जो रिएक्टिव पावर है दैट इज 23.61 वाट्स जो है वो है। अभी हमने कोई फील्ड करंट जो है वो इंक्रीज नहीं किया, इनिशियली जो भी फील्ड करंट था वही फील्ड करंट यहाँ पर आ रहा है। अब क्योंकि हमने दोनों सप्लाईज जो यूज़ की हैं, थ्री फेज एसी भी और इसके अलावा जो हमने डीसी सप्लाई यूज़ की है वो भी वेरिएबल है। लेट्स सी कि हम इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम ये करते हैं कि थ्री फेज जो एसी है उसको हम फिक्स कर देते हैं और ये जो डीसी है इसको हम वेरिएबल कर लेते हैं। तो पहले तो ब्रेकर हम ऑफ करते हैं। ओके, वी कैन चेंज दिस, ठीक हो गया कि हमने फिक्स सप्लाई जो है वो यूज़ कर ली है, क्योंकि हम डीसी का जो कंट्रोल है वो चाहते हैं कि डीसी को हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकें। ओके, यहाँ से ये कुछ चीज़ें थोड़ा सा इशू कर रही थी, बट नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। तो अभी हमने जो डीसी वोल्टेज अप्लाई किए हैं बहुत ही कम वोल्टेज अप्लाई किए हैं, तो इस टाइम पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो ये हैं कि रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मोटर इज़ रनिंग इन अंडर एक्साइटेशन केस, और पावर फैक्टर हमारे पास बहुत ही लो है और ये लैगिंग में है, लीडिंग में नहीं है। क्योंकि अच्छा, ये हमें पता कैसे चलेगा कि पावर फैक्टर लीडिंग में है या लैगिंग में है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है तो पावर फैक्टर जो होगा वो लैगिंग होगा, और अगर रिएक्टिव पावर नेगेटिव है तो पावर फैक्टर हमारा लीडिंग होगा। ठीक है, I3 इज़ देयर, I3 इज़ बेसिकली द फील्ड करंट, और फील्ड करंट अभी 0.053 है। अभी हम वैल्यूज़ नोट डाउन कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं वैल्यूज़ टेबल में। E1 is connected, E2 is connected, E3 is not connected, power factor meter is connected, and torque meter is also connected, I1, I2, I3, and speed meter is also connected, active power, reactive power,
ओके तो ये सारे मीटर्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं. यस ओके तो अभी जो भी वैल्यूज होंगी वो रनिंग टाइम पे ये रिकॉर्ड कर लेगा. अभी हमने वोल्टेजेस जो हैं वो डीसी वाले मींस फील्ड एक्साइटेशन करंट इतना नहीं बढ़ाया. अभी फील्ड एक्साइटेशन करंट हमारे पास 0.053 एम्पेयर है. अभी हम फर्दर इंक्रीज करते हैं इसको एंड वी विल सी के रिएक्टिव पावर में क्या इफेक्ट आता है और जो पावर फैक्टर है उसमें क्या इफेक्ट आता है. ओके हम डीसी वोल्टेज और चेंज कर लेते हैं. डीसी वोल्टेज को हमने थोड़ा सा और चेंज किया और अभी हम वैल्यूज देखते हैं. ओके ये रिड्यूस हो रहा है. रिएक्टिव पावर जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि हम फील्ड एक्साइटेशन करंट बढ़ा रहे हैं. फील्ड एक्साइटेशन करंट इंक्रीज हो गया और अब हम देखेंगे कि फर्दर अगर हम डीसी करंट को इंक्रीज करते हैं तो फिर ये वैल्यू किस तरह से इंक्रीज होती है. रिकॉर्ड कर लेते हैं ये जो भी वैल्यू है. यहाँ पे हम इसको करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा. देन नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर वोल्टेज इंक्रीज करते हैं. फील्ड एक्साइटेशन करंट विल चेंज एंड ऑल्सो अदर वैल्यूज विल ऑल्सो चेंज. अभी यहाँ पर देखें रिएक्टिव पावर और रिड्यूस हो गया है और जो हमारा फील्ड एक्साइटेशन करंट है दैट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग. ओके एक और वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं. वैल्यूज जो है चेंज हो गई. फिर से हम वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं. टॉर्क अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया. वी विल अप्लाई इन द लास्ट तो फिर हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है. अगेन वी विल चेंज इट्स डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज. सो डीसी एक्साइटेशन करंट विल चेंज एंड देन वी रिकॉर्ड वैल्यूज. ओके अगेन हम फील्ड एक्साइटेशन करंट को चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द फील्ड एक्साइटेशन वोल्टेज. अगेन वी रिकॉर्ड द वैल्यूज. ओके रिएक्टिव पावर इज नाउ नेगेटिव मींस आवर पावर फैक्टर इज नाउ लीडिंग एंड द मशीन इज सप्लाइंग रिएक्टिव पावर टू द सप्लाई. इट्स नॉट रिसीविंग फ्रॉम द सप्लाई. ओके so previously it was absorbing reactive power, now it is supplying reactive power to the supply. So we can say that now it is able to supply reactive power to any machine और उसका power factor जो है हम improve कर सकते हैं. तो जब तक reactive power negative ना आ जाए, negative जब तक नहीं आएगा तो हम ये कहेंगे कि machine is absorbing reactive power from the supply and the power factor is lagging one. So field excitation current is also increased up to 0.349 amperes. और इसके अलावा जो यहाँ पे अगर हम देखें स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. स्पीड इज़ नॉट चेंजिंग. तो अभी हम लोड भी अप्लाई करके देखेंगे कि उससे क्या इफेक्ट आता है. सो उससे पहले हम सप्लाई जो है वो फर्दर इंक्रीज करते हैं. थोड़ा सा कम करते हैं ताकि हम ग्राफ जो है वो स्मूथ प्लॉट कर सकें. ओके तो माइनस 6 समथिंग था रिएक्टिव पावर. नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर इज -13.55 VAR. ओके सो अगेन हम डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज को चेंज करते हैं एंड नाउ वी विल रिकॉर्ड द रीडिंग. अगेन फर्दर चेंज करते हैं. ओके
Okay, now again we will record the reading. Again इसको अब हम maximum पे कर देते हैं और maximum पे करने के बाद हम यहाँ पर last value record कर लेते हैं. तो अभी तक हमने synchronous motor को load नहीं किया. This practical was all about the unloading of means load हमने नहीं किया motor को. ओके, तो अभी तक हमने मशीन को जो है मोटर को लोड नहीं किया, हमने कोई जो है टॉर्क अप्लाई नहीं किया, मींस अनलोडेड कंडीशन में हमने वैल्यूज को रिकॉर्ड किया है. ठीक है, सो इसके जो ग्राफ्स हैं वो हम प्लॉट कर लेते हैं. जो भी ग्राफ्स थे एक्स एक्सिस पे हम सबसे पहले हम फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट है मींस स्टेटर करंट है उसका रिलेशन देख लेते हैं. एक्स एक्सिस पे हम फील्ड करंट रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम आर्मेचर करंट रखते हैं. एंड वी विल सी द रिलेशन. तो रिलेशन कुछ इस तरह से है, जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ता जा रहा है पहले हमारा स्टेटर करंट जो है वो रिड्यूस हुआ और उसके बाद फिर स्टेटर करंट इंक्रीज होना शुरू हो रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो आप कह लें कि जो रिएक्टिव पावर की वैल्यू है वो ज़ीरो हो गई. जब ज़ीरो हो गई तो फिर उसके बाद फिर अगेन स्टेटर करंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है. ठीक है, सो दूसरा जो ग्राफ ड्रा करना है वो फील्ड करंट और पावर फैक्टर के दरमियान हमने ड्रा करना है. तो ये फील्ड करंट और पावर फैक्टर के दरमियान ग्राफ है. मींस जैसे जैसे फील्ड करंट इंक्रीज होता जा रहा है पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, बट ये इंक्रीज हुआ है अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन लैगिंग. मींस जब रिएक्टिव पावर यहाँ पर इस पॉइंट पे ज़ीरो हो गया तो फिर ये दोबारा से नेगेटिव में वैल्यू आना शुरू हो गई है पावर फैक्टर की. तो पावर फैक्टर की नेगेटिव में वैल्यू आने का मतलब पावर फैक्टर जो है वो अब लीडिंग में चला गया है. तो पावर फैक्टर जब लीडिंग में चला गया है तो मींस नाउ द मशीन इज सप्लाइंग रिएक्टिव पावर. ठीक है, तो ये इस तरह का ग्राफ हो गया. और इसके अलावा हम रिएक्टिव पावर का भी एक ग्राफ देख लेते हैं, फील्ड करंट और रिएक्टिव पावर के दरमियान क्या ग्राफ बनता है. ओके, ये इस तरह से बनता है कि रिएक्टिव पावर नेगेटिव में जाना शुरू हुआ है. मींस यहाँ पर 4.9 पॉजिटिव लास्ट पॉजिटिव वैल्यू थी, उसके बाद जो है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो गया है जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ता चला गया है. मैक्सिमम फील्ड करंट हमारा नियर टू 0.5 है और नियर टू 0.5 पे ये मैक्सिमम जो वी ए आर्स हमें मिल रहे हैं वो -30.9 जो है वो मिल रहे हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट अनलोडेड कंडीशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. ये अब तक हमने कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं किया तो उस टाइम पे वैल्यूज़ क्या हैं. यहाँ पर अगर हम देखें इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है ड्यू टू मैग्नेटिक लॉकिंग, और ये मैग्नेटिक लॉकिंग जो है वो ब्रेक होगी जब हम ज़्यादा लोड इस पर अप्लाई कर देंगे इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा. बट तब तक ये जो इसकी स्पीड है ये चेंज नहीं होगी. सो अभी हम डेटा टेबल को क्लोज करते हैं और इसको दोबारा से ओपन करेंगे. अभी हम इस पर टॉर्क अप्लाई करना शुरू करते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं टॉर्क पोजीशन पे. टॉर्क पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम टॉर्क को इंक्रीज करते हैं. ओके, 0.7 जो है वो टॉर्क इनिशियल कंडीशन जो है इसकी हम थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं. ओके, 0.2 पे हम एक वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं बिकॉज अवर मीटरिंग विंडो इज़ ऑन, और फिर हम वहाँ पर ही एनालाइज करेंगे रिकॉर्डेड वैल्यूज़ में के बिहेवियर क्या है. ओके, प्रीवियस डेटा हम रेज कर रहे हैं. ओके, कोई मसला नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं. यहाँ से एक डिलीट का ऑप्शन है क्लियर डेटा टेबल का, यहाँ से हम पूरे डेटा टेबल को क्लियर कर सकते हैं. अब जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं जिन वैल्यूज़ को हमने रिकॉर्ड करना है वो वैल्यूज़ हम रिकॉर्ड कर लेते हैं.
ओके, क्योंकि टॉर्क वाली वायर हमने कनेक्ट नहीं की थी इसलिए टॉर्क की वैल्यू वहाँ पर नहीं आ रही। हम ये टॉर्क की वायर भी कनेक्ट कर लेते हैं और अब जो है दोबारा से हम टॉर्क की वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो 0.196 जो है वो टॉर्क की वैल्यू है। उसके बाद अब हम और वैल्यू इंक्रीज करते हैं और लास्ट में देखेंगे कि टॉर्क का इफेक्ट जो है वो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उन पर क्या है। अगेन फर्दर इंक्रीज करते हैं टॉर्क को। फर्दर इंक्रीज करते हैं टॉर्क को। स्पीड देखते हैं कि कितनी हो गई है। 1500 ही है अभी तक। अभी तक ये इसकी जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं हुई। ओके, हम इसको मैक्सिमम पोजीशन पे कर देते हैं। तो मैक्सिमम पोजीशन पे करने के बाद अब हम स्पीड देख लेते हैं इसकी। स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज, मींस अभी जो मोटर है हमारी वो इसका जो टॉर्क था मैक्सिमम कैरिंग टॉर्क था उसकी लिमिट से इंक्रीज हो गया है और अब ये मोटर जो है वो हॉल्ट कंडीशन में आ जाएगी। तो वाइब्रेशन से स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है स्टेटर और रोटर के दरमियान। तो जब भी मैग्नेटिक लॉकिंग ब्रेक होगी तो फिर हमारी जो ये मोटर है ये स्टॉप होना शुरू हो जाती है, इसकी स्पीड जो है वो रुकना बिल्कुल डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाती हैं मोटर के अंदर। सो हम ये कहते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक लॉकिंग है वो ब्रेक हो गई है और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क था जो ये कैरी कर सकती थी वो लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई है। सो लेकिन इसकी जो स्पीड है वो जब तक वो मैग्नेटिक लॉकिंग जो है वो ब्रेक नहीं होती तब तक 1500 RPM ही रहती है, 1500 RPM से डिक्रीज नहीं होती। यहाँ पर देखें तो फील्ड करंट जो है, सॉरी ये स्टेटर करंट है, फील्ड करंट हम हमारा कांस्टेंट है। अब स्टेटर करंट इंक्रीज होगा क्योंकि मोटर के ऊपर जो है वो लोड अप्लाई हो रहा है या टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो स्टेटर करंट इंक्रीज होगा और पावर फैक्टर जो है वो भी हमारा अफेक्ट होगा क्योंकि इनिशियली 0.698 था और फिर 0.995 हो गया। और इस पोजीशन पे रिएक्टिव पावर देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये लीडिंग में है या लैगिंग में है। यहाँ पर देखें तो रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा था और फिर रिएक्टिव पावर माइनस में जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है। मीन्स अभी ये लैगिंग की तरफ जा रहा था, लैगिंग की तरफ गया नहीं है बट लैगिंग की तरफ जा रहा था। जैसे ही ज़्यादा हमारा टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, वैल्यू ये टॉर्क की इंक्रीज हो जाएगी तो फिर ये लैगिंग की तरफ चला जाएगा और मोटर वैसे ही हमारी जो है वो स्टॉप होना शुरू हो गई है और ये स्टॉप हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइंक्रोनस मोटर और साइंक्रोनस मोटर की अनलोडेड कंडीशन भी हमने देखी और उसकी जो एडवांटेजेस हैं साइंक्रोनस मोटर के वो भी हमने डिस्कस किए और फिर वो हमने देखे भी एक्सपेरिमेंटली कि पावर फैक्टर किस तरह से लीडिंग से लैगिंग से लीडिंग की तरफ जा रहा है और इसके अलावा हम पावर फैक्टर इंप्रूव किस तरह से कर सकते हैं और रिएक्टिव पावर हम सप्लाई कैसे कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू। सो वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।